औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं प्यारे बच्चे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं 3 क्लास को इस्लामियात पढ़ाऊँगी, इसलिए आप लोग अपनी इस्लामियात की बुक का पेज नंबर 9 ओपन कर लें। आज हम पढ़ेंगे तकदीर पर ईमान। तकदीर पर ईमान का मतलब ये मानना है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के अलावा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, उसके हुक्म से ही इस दुनिया का निज़ाम चलता है। इंसान के नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला इस दुनिया के एक एक ज़र्रे का इलम रखता है, और जो कुछ हो रहा है या आइंदा होगा सब का इलम रखता है। तकदीर पर ईमान, तकदीर पर ईमान का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है वो सब अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। दुनिया में जहाँ भी कुछ काम हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, वो सब अल्लाह ताला के इल्म में होता है, और कोई चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं। हम सब जो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ग़ुलाम हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। हमारा नफ़े और नुकसान का मालिक जो है अल्लाह ताला इस दुनिया के एक एक ज़र्रे का हिसाब रखता है, और जो कुछ आज हो रहा है या कल जो कुछ हमारे साथ होने वाला है वो सब अल्लाह ताला के इल्म में है। अल्लाह ताला सब के बारे में इल्म रखता है। तो प्यारे बच्चों, ये है तकदीर पर ईमान का मतलब। अब आपने इसको अच्छी तरह से इसकी रीडिंग याद करनी है। शुक्रिया। अल्लाह।